लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्य मां विचारिया नामन्ये नामार्थ बुद्ध्या स्वेत सर्वदेव मयोगुर। हे परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है हे नाथ अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो हे जीवन धन अपनी
अब बहुत हो चुका अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है अतः प्रेम भिक्षा देहि साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सतगुरु सरकार की जय। जय जय Yeah.
Shut
हुआ है वो तो पालन करना तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने एक जगह उद्धव से कहा, बड़ा सुंदर, उद्धव किम विधत्ते किमाचष्टे किमनुद्य निकल विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम् लोके नान्यम् मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक भगवान कहते हैं कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मतभेद कश्चन, लो और कौन जानेगा जब भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता। उद्धव कहते हैं बता दो ना हमको। हाँ तुम हमारे हो, सुन लो, माम विधत्ते विधत्ते माम, जो मेरे लिए हो वो सही कर्म, जो मेरे निमित्त ज्ञान हो
वही ज्ञान, जो मेरे निमित्त भक्ति हो उसी विभक्ति, बाकी सब गलत। यानी माया संबंधी कर्म, माया संबंधी ज्ञान, माया संबंधी भक्ति, ये निंदनीय है, ये माइक एरिया को देने वाली है। और मेरे निमित्त कर्म ज्ञान भक्ति मुझसे मिलाने वाली है, परमानंद देने वाली है। बस सीधी सी बात, भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा, पुंसामेकांत ततश्रेयस्तन्मे संशितुमर्हसि। महाराज श्रेय क्या है, यानी वो परमानंद भगवान वाला कैसे मिलेगा? उन्होंने उत्तर दिया, ये एक एक नौ, पहले स्कंद के पहले अध्याय का नौवां श्लोक। अब उत्तर देते हैं सूत जी, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठवां श्लोक, श्री कृष्ण की भक्ति हो और निरंतर भक्ति हो और कामना रहित निष्काम भक्ति हो, बस शौनकादिक परमहंसो यही धर्म है असली। वासुदेव परो धर्म, फिर आगे कहते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, जो भगवान के निमित्त हो वही धर्म है। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर कोई भी धर्म और कहे कि है होता है तो ठीक है, मान लो होता है, लेकिन उसका उस धर्म का परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण से प्रेम होता है? नहीं नहीं, तो फिर वो धर्म गलत। जिस धर्म से श्री कृष्ण में प्रेम हो वही धर्म धर्म है। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। किसी भी धर्म का परिणाम बस एक, श्री कृष्ण की कृपा, उनको प्रसन्नता, बस। रामायण से समझ लो, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। एक फल, ओ यज्ञ हो, तप हो, योग हो, धर्म हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, वो सही कब है? कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधनों का ये फल है, फल। और अगर फल नहीं हुआ तो उस आम के पेड़ की ओर लोग देखते भी नहीं,
बेकार है, एक गाय बांझ है, बेकार है। हाँ, तो धर्म वही सही जिससे भगवान में प्रेम हो, यानी मन में भगवान आवे, बस वही धर्म है। धर्म माने धारण करने योग्य, जैसे हम शरीर के धारण करने योग्य सामान समझ बूझ के खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तरकारी खाते हैं, मिट्टी नहीं खाते, गोबर नहीं खाते, क्यों? वो हमारे खाने की चीज नहीं है, उससे शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी। और तरकारी भी कौन खाना चाहिए जो और बड़े बुद्धिमान है, ये गाजर में होता है विटामिन ए, ये मूली के पत्ते में होता है, ये पालक के पत्ते में होता है, वो समझ बूझ के और बुद्धिमानी से खाते पीते हैं। तो जैसे शरीर के लिए धारण करने वाली चीजों को हम समझ बूझ के खाते हैं समझदार आदमी, और अगर जो अच्छा लगा वो खाया तो फिर अस्पताल जाया करो, डॉक्टरों का भला किया करो। क्या हो गया? बीमार हो गए। क्यों? हमने ऐसा अंड बंड खाया जो मन ने कहा वो हमने खाया। रोज जलेबी, रोज जलेबी, रोज जलेबी, डायबिटीज हो गया। बड़े आदमी है, बेटा जो मांगता है बाप देता है, नाश्ते में रोज पूरी, रोज पूरी, रोज पूरी। हमने ऐसे घर देखे, उन घरों में रहे, डेली पूरी बनती है, नौकर बना रहा है, अरबपति है, सब बच्चे खा रहे हैं। और जवानी में तो चल गया काम, जब 40 साल के हुए तो फिर ये गड़बड़ वो गड़बड़ वहां, जितने पुर्जे हैं सब जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमने गलत धारण किया। ऐसे ही भगवान को धारण करना ही धर्म है। ये भागवत वेद शास्त्र पुराण सब कहते हैं। और आगे चलो, एक बार नवजोगीश्वर विदेह निमि के यज्ञ में पहुंचे। ये नवजोगीश्वर भरत के भाई हैं, ऋषभ के लड़के। ब्रह्मा के लड़के मनु, मनु के लड़के प्रियव्रत, प्रियव्रत के लड़के आग्निध्र, आग्निध्र के लड़के नाभि, नाभि के लड़के ऋषभ, ऋषभ के लड़के भरत, और ये नवजोगीश्वर, और क्यासी कर्मकांडी, उनके 100 पुत्र थे। ये भारतवर्ष नाम जो पड़ा है ना, भरत से पड़ा है, इसके पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, भरत से फिर ये भारत वर्ष नाम हो गया। उन्हीं के नवजोगीश्वर भाई हैं। ये सदा परमहंस और आकाश मार्ग से चलते थे ये लोग, मायातीत। पहुंच गए यज्ञ में, इनको बुलाने की जरूरत नहीं, जहां इच्छा हो चले जाएं। और वो परमहंस थे राजा, वो भी विदेह थे, उन्होंने पहचान लिया, आप लोग धन्य हो गया मैं। तो प्रश्न किया उनसे, अत आत्यंतिकम क्षेमं पृच्छामो भवतो नघा। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 30वां श्लोक। महाराज, हम आत्यंतिक श्रेय कल्याण परमानंद वाला जानना चाहते हैं,
उन्होंने उत्तर दिया, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन। केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन का अनुराग होना, बस यही आत्यंतिक श्रेय है, धर्म है, मार्ग है, ज्ञान है, प्रेम है, सब कुछ यही है। ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। और ये श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला जो मार्ग है, ये कैसा है? धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह, आंख मूंद कर भागो, न फिसलोगे न गिरोगे। क्यों? वो पीछे से तुम्हारे भगवान जो है ना, वो साथ साथ चलते हैं, संभालने वाले। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। नवे अध्याय का 22वां श्लोक गीता। तथा नते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भागवत 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहा है भगवान से, महाराज आपकी जो भक्ति करने वाले हैं उनको आप संभालते हैं, इसलिए उनका पतन नहीं होता। सारी गीता में भगवान ने एक जगह चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा चैलेंज है अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं संभालता हूं। और सबसे आसान भी हूं मैं ये भक्ति वाले मार्ग के द्वारा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा, बड़ा मैं सुलभ हूं। आठवें अध्याय का 14वां श्लोक। कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। न योग करना है, न ज्ञान करना है, न यज्ञ करना है, न तप करना है, न जप करना है, और न भूखे रहना है, व्रत करना है, कुछ नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। इन सब से नहीं मिलते हमारे राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। भागवत कहती है, कोति प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने, स्वे हृदय छिद्रवत सता। सातवें स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक। अरे क्या परिश्रम है, मंदिर नहीं जाना, वृंदावन नहीं जाना, चारों धाम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, नहीं, तुम्हारे हृदय में रहते हैं भगवान। जानो और मानो, बस
हाँ सुना तो है, सुनने से काम नहीं चलेगा। मानो मानो मानो, रियलाइज करो, महसूस करो। हर समय अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। जैसे अपने आप को रियलाइज करते हो हर जगह हमेशा, मैं जो मैं कल वहां था वही मैं आज भुवनेश्वर में हूं। ऐसे ही मेरे बगल में मेरे पिता, मेरे भ्राता, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे प्रियतम, मेरे सर्वस्व श्याम सुंदर बैठे हैं और लगातार मेरी ओर देखते रहते हैं। ध्यान दो सब लोग, लगातार मेरी ओर देखते रहते हैं। मैं बड़ा सुंदर हूं। अरे नहीं नहीं, फिर क्यों देखते रहते हैं? कि ये पता नहीं कब अबाउट टर्न हो जाए, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो उसी समय हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। माया निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंच क्लेश निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति और ज्ञान दान, प्रेम दान, आनंद दान, तमाम सारे काम इमीडिएटली करने पड़ेंगे। तो हर समय देखते रहते हैं, आशा करते हैं अब शरणागत हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ, बीबी ने डांटा है, अब हो जाएगा। बाप ने आज डांटा है, अब हो जाएगा। ए, फिर नहीं हो रहा? इतनी चप्पलें खा के भी इतना बेहया है ये जीव कि फिर वही नाक रगड़ता है संसार में, भगवान की शरण में नहीं जाता। लेकिन वो लगातार आशा किए हैं, वो कभी घबराए नहीं कि थक गए इससे ये शरणागत नहीं होगा, भाड़ में जाए। अब हम जा रहे हैं गोलोक, ना ना, अनंत जन्म बीत गए, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, आशा लगाए बैठे हैं। और हम ऐसे कुपूत हैं, सुनते हैं अंदर बैठे, मानते नहीं। चोरी चोरी हम लोग जो पाप करते हैं ना, उस समय भूल जाते हैं ना कि वो बैठे हैं, नोट कर लेंगे। संसार से तो डरते हैं, संसार से छुप करके पाप करते हैं। तो संसार से छुप के पाप करते हो तो भीतर वाला तो देख रहा है, ये क्यों भूल गए? बस यही भूल हमको 84 लाख में घुमा रही है। तो नवयोगीश्वरों ने कहा कि भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। देखो विदेह निमि, सुनो कान खोल के, अनादिकाल से क्या हुआ, हुआ माने क्या हुआ था। ये जीव भगवान से विमुख था, हुआ नहीं, सदा से था, इसलिए सदा से माया ने इसको अपने अंडर में कर रखा है। विमुख होने के कारण अंडर में कर रखा है और ये विमुख सदा से था, एक दिन विमुख हुआ नहीं। तो क्या करें? इलाज, साधन, सन्मुख हो जाओ। विमुख का इलाज सन्मुख हो जाओ, शरणागत हो जाओ, बस। कुछ करना धरना नहीं है,
सरेंडर करना माने कुछ न करना। जब आप लोग पैदा हुए थे ना तो कुछ नहीं करते थे, तो माँ सब कुछ करती थी। जब कुछ कुछ करने लगे तो माँ ने कुछ कुछ कम कर दिया। जब सब कुछ करने लगे तो माँ डांटती है कि अरे नहाया नहीं, अरे नाश्ता नहीं किया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आत्मा है तेरा गोविंद राधे, तू तो आत्मा है तेरा गोविंद राधे, सबका छू है परमात्मा बता दे, राधे राधे ओ मिला दे, राधे राधे गोविंद
अर्थ माया तम गोविंद राधे रूकार्थ नाश करे सबको बता दे राधे राधे ओ ईश्वरीय ज्ञान तो है गोविंद राधे ईश्वरीय ज्ञान तो है गोविंद राधे आवश्यक सर्व प्रथम बता दे राधे राधे ओ ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे राधे राधे ओ ज्ञान हेतु दो है गोविंद राधे तत्व ज्ञान हेतु दो है गोविंद राधे एक गुरु एक वही राग बता दे राधे राधे ओ ज्ञान ना बता दे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गोविंद राधे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गोविंद राधे गुरु ईश्वरीय ज्ञान करा दे राधे राधे ओ भागवत आदि का भी गोविंद राधे भागवत आदि का भी गोविंद राधे ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ गुरु ते हो बता दे राधे राधे ओ Yeah.
केवल शब्द ज्ञानी गोविंद राधे कोरा उपदेश ही दे दिव्य प्रेम ना दे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जैसे दीप की लो गोविंद राधे प्रकाश नीचे हो अंधेरा बता दे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ऐसे शब्द ज्ञानी भी गोविंद राधे ऐसे शब्द ज्ञानी भी गोविंद राधे ज्ञान दे आप रहे कोरा बता दे राधे राधे शास्त्रान भिज्ञ जन गोविंद राधे शास्त्रान भिज्ञ जन गोविंद राधे विरक्त भी ज्ञान देना बता दे राधे राधे गोविंद राधे पुण्य पुंज हरि कृपा गोविंद राधे संत मिल सत संग बिगरी बना दे राधे राधे साध्य नहीं गोविंद राधे प्रेम सब साध्य नहीं गोविंद राधे सतगुरु
बता दे राधे राधे ओ ते बचावे आरु गोविंद राधे पाप ते बचावे आरु गोविंद राधे हरी में लगावे सो हितैषी बता दे राधे राधे ओ नदी जल पीवे नहीं गोविंद राधे नदी जल पीवे नहीं गोविंद राधे जग को पिलावे उपकार बता दे राधे राधे ओ फल खाए नहीं गोविंद राधे फल खाए नहीं गोविंद राधे जग को खिलाए उपकार बता दे राधे राधे ओ उपकार ही है पर उपकार ही है गोविंद राधे पर उपकार ही है गोविंद राधे संतों का सहज स्वभाव बता दे राधे राधे ओ कार ही है गोविंद राधे पर उपकार ही है गोविंद राधे दुष्टों का सहज स्वभाव बता दे राधे राधे ओ बीनु स्वारथ गोविंद राधे हर बीनु स्वारथ गोविंद राधे पर अपकार करे अही जो बता दे राधे राधे ओ पत्र साम संत भोज पत्र साम संत गोविंद राधे भोज पत्र साम संत गोविंद राधे
पर हित निज सर्वस्व लुटा दे। राधे राधे ओ गोविंद, ओ राधे, राधे राधे ओ गोविंद, ओ राधे। निज परिताप ते गोविंद राधे, निज परिताप रे गोविंद राधे। पिघले उसे नवनीत बता दे। राधे राधे ओ परिताप ते गोविंद राधे, परिताप ते गोविंद राधे। पिघले उसे भक्त हृदय बता दे। राधे राधे ओ जीव दया हरि भक्ति गोविंद राधे। जीव दया हरि भक्ति गोविंद राधे। भक्त भक्ति तीन कर्म भक्त के बता दे। राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली।